ऐसे अपनी द्रव्य को जो है एक थाली से दूसरी थाली में उसको चढ़ाना, ये तीनों जो है आवश्यकता है। तो मन शुद्धि, बोले मन का शुद्ध होना आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं जल की गति और मन की गति दोनों की अधोगामी है। अनादि काल से हमारे ऐसे संस्कार है कि वह क्या है, अधोगामी है। आप जल को कितना भी प्रयास करें ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वह जल कहाँ जाता है, अधोगामी नीचे जाता है। उसी प्रकार हमारा मन भी अधिकांश पाप कार्यों में, बुरे कार्यों में, राग देश में, मोह आदि में रहता है और उससे वह अधोगामी होता है। पानी को ऊपर ले जाना है, अम्मा जाग जाओ, ये विधान जो है सोने के लिए नहीं है, ये आप सबकी जो है सुसुप्त चेतना है उसको जगाने के लिए। यहाँ सो गए तो फिर कहाँ जगोगे, तो यहाँ सोना नहीं है, यहाँ तो जागना है। आज जो जागृति का ही पर्व है, विधान अनुष्ठान है। तो मैं बोला तो वह पानी कैसे ऊपर जाएगा, बोले पानी को ऊपर जाने ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन को ऊपर ले जाना है तो मंत्र की आवश्यकता होती है। आप पानी को ऊपर लाते हैं तो क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टिल्लू पंप, क्या बोलते हैं उसको, जमीन अंदर लगाते हो, समर आदि लगाते हैं, ऊपर तक चला जाता है। ऊपर पानी ले जाने के लिए हमें यंत्र लगाया, मन को यदि हमें ऊपर की ओर ले जाना है तो मंत्र का सहारा लेना होगा। और हम यहाँ पर विधान कर रहे हैं और उस विधान में रहे मंत्र की जाप भी होगी और मंत्र के माध्यम से स्वाहा भी होगा। और ये विधान भी एक मंत्र ही है, क्या है, पूरा मंत्र है जिसमें मन को हमें लगाना है, तब ही हमारी अधोगति होगी, ऊर्ध्वगति होगी, अन्यथा अधोगति होगी। तो वह समाधि तंत्र में जो है कहा बताया गया कि कैसे हम मन को हम ऊपर की ओर ले जाए, बोले मन नीचे की ओर अधिक क्यों जाता है, उसका कारण है, बोले अति परिचय अति परिग्रह, अति परिचय और अति परिग्रह अधिक मन चंचलता का कारण है। और मन चंचल होगा तो वह जो है अधोगामी। यदि मन को हमें स्थिर करना है, चित्त को एकाग्र करना है, तो इसलिए क्या करना है, मंत्र में, विधान में, पूजा में लगाएंगे अति परिचय। ध्यान रखना यहाँ पर कोई परिचय नहीं लगा लेना, नहीं तो आप लोग परिचय सम्मेलन चालू कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, अंदर आने के पहले खूब परिचय कर लेना, लेकिन अंदर आने के बाद फिर कोई परिचय नहीं करना, क्योंकि ध्यान रखना आपको पता है भगवान की पूजा अर्चना अनुष्ठान कौन करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं, कौन करते हैं, कौन करते हैं, देवता लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्रतिष्ठा हो तो सारे पात्र जो देव लोग आदि के हैं, क्यों उनको बनाया, क्यों पूजा के पात्र है वो, क्योंकि उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई सूतक पातक नहीं लगता है। और आपने उठा लिया उसका कर दिया तो ये सूतक लग गया हो गए बाहर, या पातक लग गया हो गए बाहर, तो इसलिए यहाँ इंद्राणी बन गए, सोचन विदादी बन गए हैं। अब आप जो है मनुष्य नहीं है, और फिर ध्यान रखना जब आप मनुष्य नहीं है, इंद्राणी है, तो अब आपको सूतक पातक नहीं लगेगा, और दूसरे जो है इंद्राणी के जो है बच्चे नहीं होते, नहीं कोई बच्चियां होती, ना कोई रिश्तेदार होते, क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, क्या होते हैं, कोई इंद्रनाड़ी का आपने सुना हो, सोलह का कोई बच्चा होता हो, है नहीं होता, वो है केवल इंद्रनाड़ी ही होते हैं, सब कुमार होते हैं, उनकी जो अपने आप पहले से जोड़ी बनी आती है, तो कोई बच्चे आदि नहीं होते। यहाँ ध्यान रहे विधान में भी, और रिश्तेदारी विधान के बाहर तो करना, लेकिन विधान में नहीं तो मैं नहीं तो सूतक पाठ लग जाएगा तुम्हारे लिए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई सब देव देवा देवाणी अपने रहेंगे, अच्छे बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो क्योंकि अधिक परिचय करोगे तो आपका पूजा में विधान बनने लगेगा,
फिर आपको भी खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, आपका मन उसी में लगे साधना करें। तो इसलिए जो है मन को हमें क्या है परिचय नहीं करना है और ना ही परिग्रह के बारे में सोचना है। ध्यान रखना कि अब दुकान खुल रही है कि नहीं खुल रही, क्या हो रहा आठ दिन, कुछ भी नहीं सोचना। जो भी चाबी है बच्चों को अपने उनको देना, उनको दे दो। अब आठ दिन तक कोई विकल्प नहीं, परिग्रह संग्रह करने। हाँ, छोड़ने का तो विकल्प करना कि हम कितना दान कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने का विकल्प नहीं करना। जोड़ना है, विकल्प करना किसका करना, पुण्य कितना जोड़ सके, कितना हम धर्म जोड़ सके। इस चित मानिए आठ दिन आप भक्ति भाव, हर प्रकार की सिद्धि और हर प्रकार का लाभ जो है आपको पूरा पूरा वह लाभ उठाना। वचन शुद्धि का भी ध्यान रखना। वचन शुद्धि के लिए हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, एक ग्रंथ लिखा है, और वो ग्रंथ कौन सा लिखा है, जो वो लिखा है जैन व्याकरण। क्या लिखी है, जैन व्याकरण। और जैन व्याकरण के माध्यम से जो है हम अपने बेस्ट जो पकड़ा उसमें भी जो है आधा अधूरा ज्ञान है। हिंदी तो आधी अधूरी आती है और इंग्लिश भी आधी अधूरी आती है। ना हिंदी पूरी है और ना ही क्या है इंग्लिश पूरी है। जो भी हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, सब मिला हुआ होता है। क्या होता है, मिला मतलब मिक्स होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें भी मेरा जो है शुद्ध नहीं, सही बताया, देखा जाए उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी, सब कुछ आ जाते हैं, उर्दू भी आ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन पूजा में जो है मिक्स नहीं करना। बोले पूजा के जो हमारे मंत्र हैं, जो उनके जो है उस मंत्रों का जो है उनके जो बिल्कुल पूरा पूरा उसका जो है अर्घ आदि है, उनके जो है एक एक शब्द, एक एक उनकी जो बिंदी अलंत आदि का ध्यान रखना। यदि एक भी बिंदी आदि अलंत गलत हो जाएगा तो उसका जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मंत्र आपको वो शुद्ध पढ़ना है। हमारे अभी आनंद स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी है, वो विधान कराते, आप लोग भी ध्यान रखना कि जो भी पढ़े वो शुद्ध पढ़े तो हमें उसका शुद्ध फल मिलेगा। तो वचन शुद्धि के लिए भी उसका भी ध्यान रखना। और तीसरा काय शुद्धि, बोले काय शुद्धि भी होना चाहिए हमारे जो है। जब भी विधान आदि में आए, स्नान आदि करके आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, मैंने कहा था किसी प्रकार की कोई भी नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कोई और भी जो अशुद्ध वस्तु है उनको यहाँ पर लगा करके जो ना है। मैं देख रहा हूँ भी बहुत सारी आंटी भाई भाभी हैं, बैठी हैं कि जो लीपा पोती करके आई हैं। हाँ, तो वो रूप से शुद्धि होगी, और यदि निरोगी काया नहीं है तो वह शुद्धि नहीं है। और उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कल्याण कारक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आयुर्वेद का, आयुर्वेद के शुद्ध जो है देसी दवाइयों का उसमें उपचार बताया कि कैसे हम अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से वह शुद्धि के बारे में कहा है। हम सभी यहाँ पर अपनी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, जीवन का मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। एक मानव होते हैं, एक महामानव होते हैं, और एक दानव होते हैं। क्या होते हैं, दानव होते हैं। जो पाप आदि कार्य करते हैं वो क्या है, क्या है, वो दानव है। और जो सात्विक जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो क्या है, मानव है। और जो ओवर ऊपर उठ करके विशेष कार्य करते हैं, क्या करते हैं, विशेष पूजन कर रहे हैं, विशेष जो है दान कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष व्रत नियम से उनका पालन कर रहे हैं, तो क्या है, वो महामानव है। क्यों है, महामानव है। हम सभी क्या है, महामानव है, क्योंकि आप यहाँ विधान कर रहे हैं। अभी पंडित जी आपको सकलीकरण बताएंगे कि आज जो भी यहाँ पर विधान करेगा वह उस विधान में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो होने है, आचरण भी शुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आचरण भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। करने के लिए जो है आपको तीन माह में ध्यान, तीसरा जो और पांच उदम्बर फल,
फल पीपर उमर कटूमर पाकर और इसको ये अंजीर कहते हैं। इन पांच फलों का जो है क्या करना है, त्याग करना है, डेली देव दर्शन करना है, जीव दया का पालन करना है, पानी छान के पीना है और रात्रि भोजन का त्याग करना है। वैसे तो कहते हैं कि विधान में एक बार ही भोजन करना है और वो भी शुद्ध करना है, और शाम को यदि विशेष आवश्यकता पड़े वैसे तो पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़े तो जल आदि यही व्यवस्था। तो एक जो है आपकी व्यवस्था वो आपको जो है पंडित जी बताएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आचरण की भी शुद्धि हमारी होना चाहिए, तभी हम जो है महामानव बनेंगे, तभी जो है हम पुरुष बनेंगे। और पुरुष जो होता है वह कौन होता है, पुरुष कौन होता है, जो पुरुषार्थ करता है। वो पूछा था, ये तो सोचा था कि बोधला जाना है, हमारे जो है मुनि सेवा समिति की जो पवन जैन चांदी वाले हैं जो व्यवस्था करवाते हैं, उन्होंने कहा तो महाराज पावन बाद में चलेंगे, वो घूमते क्योंकि वहां से जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे। मेरे कहा ठीक है, आप व्यवस्था पाठ किया था, पाठ तो हो सकता आपने भी पहले शायद किया होगा, आपने भी पहले किया होगा, लेकिन कहते हैं कि जो है जो पाठ सिद्ध चक्र का विधान होता है गुरु के सानिध्य में, कोई दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में होता है, वह अपने आप में जो है पाठ जो है सार्थक और सफल होता है। मुझे याद है 2004 की जब मैं आगरा में चतुर्मास हुआ था, और उसी बीचों बीच में जो है ज्योति नगर स्थान है जहाँ पर जो है क्या नाम उनका जितेंद्र कुमार जैन जो है सब परिवार के जो है सभी भाई वाले जो व्यस्त अवस्था की विधान किया था, और बड़ा ऐसे धूमधाम से उन्होंने विधान किया था, और वहाँ पर भी मुनिराजों के दो मुनिराज जो हमारे साथ में बड़े अग्रज विकर सागर जी मुनिराज जो आजकल जो है आचार्य प्रज्ञ सागर दिल्ली में हैं ते हैं, तो ऐसा वह पाठ हुआ था। और 17 साल बाद पुनः यहाँ पर जो है आगरा में और यहाँ पर बोधला सेक्टर 4 याद है मुझे वह दिन, बोधला वालों बगल में प्लॉट था और उस समय उसका वहाँ पर शिलान्यास कराया था, और आज जो है वही मंदिर जो है एक विशाल रूप में जो है बनकर तैयार हुआ है। ये निश्चित ही आपकी भावना और गुरुओं का आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि आज हम इस इतने विशाल मंदिर बैठे हुए हैं, विशाल भव्य जिनालय और विशाल यहाँ पर हम सिद्ध चक्र विधान का आराधना कर रहे हैं। निश्चित ही आपकी पवित्र भावना है। आप सभी के लिए जो है कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 11:15 बज चुके हैं बहुत सारे, तो इसलिए फिर बैठेंगे चर्चा करेंगे।
विद्वान गण
समस्त नगर वाई देशवासी राष्ट्रवासी निकंदन विश्वविशकन महामारी कोनो सन देवी प्रकार उत्सव पद सरसा श्री सिद्ध चक्र महामंडल दान सरकार सिद्ध सर्व शांति शास्त्र स्वाध्याय नंद जपान नंद स्तुति आनंद कीर्ति यात्रा नंद चतुर्विद दाना नंद तीर्थ धारा नंद जीणो धारा नंद तीर्थ रक्षा नंद सर्व जन मैत्री भावा सद्धर्म रथे दीन अनाथ असहाय सहाय भावा परस्पर सहयोग भावा चतुर्विद संघर्ष भैया वृद्धे सम्यक कर्ता पालना धर्म ध्यान नित्य प्रवचन लाभा धर्म प्रभावना सहयोगा अप्रभावना निरसना सम्यक दर्शनांग पाला सम्यक ज्ञान प्रपाला सम्यक चारित्र पाला सर्वेशा अहिंसा विसन्मुक्ति शाकाहार चरण पारिवारिक एकता व्यापार वृद्धि सर्वकार सिद्धि विद्या वृद्धि स्वास्थ्य लाभ तना मुक्ति जीव रक्षा सकारात्मक नित्य धर्म नित्य शांति नित्य सुख मनोरथ परिपूर्ण चतुर्विध संघानंद सर्वभ्यानंद सर्व जीवानंद सर्व कुटुंबानंद सर्व ग्रामानंद सर्व नगरानंद सर्व देशानंद सर्व राष्ट्रानंद सर्व विश्वानंद सर्वानंद स्वाहा सर्वलोके सुखमयान सर्वेण आरोग्यम नंदन धर्म सरस्वती में ओम ह्रीम अरम से भगवान से आदिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी चौबीस भगवान श्री प्रवीण कुमार जन अभिषेक शांतिदायक करता समय परिवार श्री समस्त हमारे विद्वान समस्त जो है अभिषेक शांति दान करने वाले इंद्रगण नगर वासी देशवासी राष्ट्र अनेक निर्माण कार्य महामारी कोरोना संग अनेक प्रकार रोग सुपद सर्वकार सिद्धम श्री सिद्ध चक्र महामंडल सर्व संपन्न सर्वकार सिद्ध सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरुकुरु श्री धर्म वृद्धि रस्तु कल्याण वस्तु सुखमस्तु शांति रस्तु श्रेयस्तु नित्य मारोग वस्तु पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु ऐ वृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु बल वृद्धि रस्तु ऐसे वृद्धि रस्तु महात प्रत भ्रात गन्ना करत पुत्र दुईता सुरदा समत बंधु सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम आराम श्री शांति जगत शांति का सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम आराम श्री शांति जगत शांति का सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम आराम श्री शांति जगत शांति का सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरम श्री आहु सर्वा सर्वेण वा सर्व शांति दृष्टि पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरम श्री आहु सर्वा सर्वेण वा सर्व शांति दृष्टि पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरम श्री आहु सर्वा सर्वेण वा सर्व शांति दृष्टि पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीम परमशिवाय नमः 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 मुनिहार का श्रावक साहब का जिनेंद्र भक्त युवन सहस्कार प्रसाद करो दी शांति महाविश्रवा निर्भोजिका नाम रूपासका नाम विनायका नाम सब्दाज तब साधका नाम राजा प्रजा नाम प्रति राष्ट्र का नाम करो दी शांति आगे भी सुनो हरि महर्षि आ रहे हैं।
उसके बाद सभी लोग बैठ जाएंगे, शानदार करेंगे, शानदार करता खड़े हैं। अरे ये कब से हो गया भाई? हाँ जी शानदार के बाद चढ़ाएंगे। अच्छा हाँ शानदार के बाद चढ़ाएंगे। विलायती आप लोग सभी Hey,
रक्षा कर तू मेरी शोक सागर।